कांग्रेस के पीएम की तुलना भस्मासुर से करने पर बीजेपी ने जवाब दिया है। बीजेपी ने कहा कांग्रेस की 100 गलतियां पूरी हो चुकी हैं, गुजरात समेत हर जगह जनता कांग्रेस को जवाब देगी। बीजेपी ने कहा कि कांग्रेस के शब्दकोश में सिर्फ गाली है और ऐसे बयानों ने कांग्रेस की मानसिकता सामने लाई है। दरअसल कर्नाटक में कांग्रेस के पूर्व सांसद वीएस उग्रप्पा ने पीएम मोदी की तुलना भस्मासुर से की। इससे पहले कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे पीएम मोदी की तुलना रावण से कर चुके हैं। राहुल गांधी के राम सियाराम वाले बयान पर बीजेपी ने करारा पलटवार किया है। एमपी के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने कहा कि राहुल का ज्ञान सिर्फ बाबा ब्लैक शिप तक है। राहुल को ऐसा ज्ञान कमलनाथ के पंडितों ने दिया होगा। वहीं केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने भी राहुल पर पलटवार करते हुए कहा कि भारत की संस्कृति को पढ़ने में राहुल गांधी को 4 जन्म लगेंगे। इसके अलावा यूपी के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने भी तंज कसा है। उन्होंने कहा कांग्रेस राम के अस्तित्व को नकारती आई है, लेकिन आज कांग्रेस को जय सियाराम कहना पड़ा। गुजरात चुनाव में दूसरे राउंड का प्रचार आज शाम 5 बजे थम जाएगा। बीजेपी ने प्रचार के आखिरी कुछ घंटे में पूरी ताकत अपनी झोंक दी है। केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी आज 2 जगहों पर रोड शो कर रही हैं। स्मृति ईरानी ने पहले पाटन में रोड शो किया, दूसरा रोड शो सिद्धपुर में है। दूसरी तरफ यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ अहमदाबाद खेड़ा और आनंद में लोगों से फिर से कमल खिलाने की अपील कर रहे हैं। दूसरे फेज में 5 दिसंबर को ये सभी मछली किसानों को बेबी फिश सप्लाई करके महीने का 2 लाख कमा रहे हैं। आपको भी करना है ये बिजनेस तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड करें। जिलों के विधानसभा सीटों पर वोटिंग होगी। समाजवादी पार्टी के नेता आजम खान की एक बार फिर से मुश्किलें बढ़ गई हैं। रामपुर में आजम खान के खिलाफ एक और FIR दर्ज हुई है। जनसभा में भांड शब्द का इस्तेमाल करने पर थाना कोतवाली में मुकदमा दर्ज किया गया है। आजम ने किला मैदान में एक जनसभा को संबोधित करते हुए चुनावी प्रक्रिया को भांडगिरी बताया था। अधिकारियों का आदेश मिलने के बाद निगरानी टीम ने भाषण की CD सौंप दी है। गुवाहाटी से आईयू DF चीफ मौलाना बदरुद्दीन अजमल ने विवादित बयान दिया है। बदरुद्दीन ने कहा कि हिंदू 40 साल से पहले शादी नहीं करते तो बच्चे कहां से होंगे, मुसलमानों की तरह 18 से 20 साल में शादी करवानी चाहिए। बदरुद्दीन ने सीएम हेमंत बिस्व शर्मा को चैलेंज करते हुए कहा मुस्लिम लड़कियों को भगाकर लेकर जाओ और लव जिहाद करो, मुस्लिम लड़कियों से लव जिहाद पर हम झगड़ा नहीं करेंगे बल्कि मिठाई देंगे। इस पर बीजेपी नेता गिरिराज सिंह ने पलटवार करते हुए कहा आजादी के वक्त धर्म के आधार पर होता बंटवारा तो ऐसे लोग हमें गाली ना दे पाते। बंगाल के डायमंड हार्बर में आज बीजेपी की रैली होनी है। रैली के लिए बनाए गए मंच को रात में कुछ लोगों ने तोड़ा है। बीजेपी के नेता शुभेंदु अधिकारी ने तोड़फोड़ का वीडियो शेयर किया है और TMC कार्यकर्ताओं पर मंच तोड़ने का आरोप लगाया। कहा अगर जरूरत पड़ी तो बीजेपी वर्कर सड़कों पर भी उतरेंगे। बीजेपी नेता अमित मालवीय ने भी घटना का वीडियो शेयर कर ममता सरकार पर कई गंभीर सवाल उठाए हैं। बंगाल के पूर्वी मेदिनीपुर के अर्जुनपुर इलाके में TMC बूथ अध्यक्ष के घर पर ब्लास्ट हुआ है। विस्फोटक इतना तेज था कि पूरा घर मलबे में तब्दील हो गया। ब्लास्ट में TMC नेता राजकुमार मन्ना समेत 3 लोगों की मौत हो गई है जबकि अन्य लोग जख्मी हैं। सोर्सेस का कहना है कि मन्ना के घर में बम बनाए जा रहे थे तभी ये ब्लास्ट हुआ है। पुलिस ने जाँच शुरू कर दी। वहीं बीजेपी ने ब्लास्ट के बहाने कानून व्यवस्था पर भी सवाल उठाए। पंजाब के फाजिलका से 7.5 किलो हेरोइन और हथियार बरामद हुए हैं। BSF ने 9 mm गोला बारूद के 50 राउंड जब्त किए। ये सभी मछली किसानों को बेबी फिश सप्लाई करके महीने का 2 लाख कमा रहे हैं। आपको भी करना है ये बिजनेस तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड करें। फाजिलका के पास ड्रोन से सामान लेकर जाया जा रहा था। चूरावाला चुस्ती इलाके में संदिग्ध दिखाई दिए। BSF ने उन्हें रोकने की फायरिंग की लेकिन आरोपी मौके से फरार हो गए। वहीं पंजाब के फिरोजपुर में BSF और पुलिस ने भारी संख्या में असॉल्ट हथियार बरामद किए। सर्च ऑपरेशन में 5 AK-47 राइफल, 5 पिस्तौल और 15 मैगजीन जब्त हुई हैं। पटना में घुसखोर इंजीनियर संजीत कुमार के ठिकानों पर विजिलेंस विभाग छापेमारी कर रही है। अधिकारियों ने इंजीनियर को 2 लाख की रिश्वत लेते रंगे हाथों पकड़ा है। संजीत कुमार बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन डिपार्टमेंट में एग्जीक्यूटिव इंजीनियर के पद पर काम करता है। अब तक इंजीनियर के घर से तकरीबन 1 करोड़ रुपए कैश बरामद कर चुके हैं। कई कागजात और बैंक अकाउंट्स के भी डिटेल्स मिले हैं। राजस्थान के सीकर में दिनदहाड़े गोलीबारी से हड़कंप मच गया। पिपराली रोड पर अज्ञात लोगों ने गैंगस्टर राजू ठेहट पर ताबड़तोड़ गोलियां बरसाई। हमले में राजू समेत 2 लोगों की मौत हो गई जबकि एक युवक घायल है। मौके पर पहुंची पुलिस इलाके की नाकाबंदी कर रही है। राजू की हत्या की जिम्मेदारी लॉरेंस बिश्नोई गैंग के रोहित गोधरा ने ली है। रोहित ने इसे आनंद पाल और बलबीर बानुड़ा की हत्या का बदला बताया। राजू ने हत्या पर वीर तेजा सेना ने सीकर बंद का ऐलान किया है। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया TV News Google Play Store या App Store पर।